तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रैम के बारे में। तो आप सब लोग रैम के बारे में तो ज़्यादा जानते ही होंगे, लेकिन आज हम ऐसे बारे में भी कुछ बात करेंगे जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते। तो दोस्तों तो रैम के बारे में हम शुरू करते हैं। तो रैम क्या चीज़ है, पहली बात ये आती है। तो दोस्तों रैम ये एक ऐसी मेमोरी सिस्टम है जो आप फ़ोन में, कंप्यूटर में या फिर और भी कोई सिस्टम में काम में लेते हैं। तो दोस्तों ये वर्क कैसे करती है, आपके मन में तो ये सवाल आता ही होगा। और रैम के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये क्या है। तो दोस्तों रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कैसे वर्क करती है ये हम बताते हैं। दोस्तों रैम और रोम, रोम के बारे में तो जानते हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम और रैम, रैम में बहुत सारे डिफरेंस है। तो रैम क्या है, रैम एक ऐसा प्रोसेसर सिस्टम, रैम एक ऐसा सिस्टम है, प्रोसेसर नहीं है दोस्तों। रैम एक ऐसा सिस्टम है जो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है। वो कैसे प्रोवाइड करता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों रैम और रोम में बहुत डिफरेंस है। रोम क्या है कि रोम के अंदर आप कुछ भी सेव कर लीजिए तो वो आप नेक्स्ट टाइम पढ़ सकते हैं, तो रैम में आप वो नहीं कर सकते। रैम क्या है, रैम एक हाई परफॉर्मेंस एक सॉफ्टवेयर है जो आपको आपकी मेमोरी को ज़्यादा से ज़्यादातर स्पीड में वर्क कराती है। तो दोस्तों ये हम अच्छी तरीके से समझते हैं। लगभग आप समझ लीजिए कि आप एक रूम में हैं, तो रूम के अंदर तो आप बहुत सारे काम कर रहे होंगे, तो आपका कोई ज़रूरी चीज़ दूसरे रूम पे है। तो दोस्तों आप एक चीज़ को आप आपको बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन आपका रूम के आपको जो काम करनी है उसकी चीज़ सारी सेकेंड रूम में है। तो आप सेकेंड रूम से सारी चीज़ ले आएंगे और उसे रखेंगे। तो रखने के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस होनी चाहिए, जैसे टेबल होना चाहिए या बड़ा सा कोई भी। तो वो चीज़ लाके आप रखेंगे कहाँ, अपने डिस्क पर। और आप अपनी रोज़ का काम करेंगे, क्या है कि आप एक काम कीजिए उसके बाद और एक काम कीजिए, ऐसे ही करते करते आप अपना डेली वर्कआउट क्लियर कर दीजिए। तो डेली वर्क के बाद आप शाम को क्या करते हैं कि वो सारी चीज़ लेके फिर से आप उसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे उसका पोजीशन था। तो दोस्तों यही है रैम और ये है रोम। तो अब बताता हूँ रैम क्या है और रोम क्या है। हम जो डिस्क पे आके सारी चीज़ रखते थे वो है रैम, और जो चीज़ हम जिस जगह से ले आते थे वो था रोम। तो दोस्तों रैम क्या करता है, रैम एक ऐसा सिस्टम है जो आप जो सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो वो सिस्टम कैसे परफॉर्मेंस में काम करते हैं, कैसे वर्क करती है, वो क्या करती है, तो ये डिसाइड करता है रैम। जैसे कि आप फोन में एक समझ लीजिए, फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर चुके हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर चुके हैं, तो वो जो एप्लीकेशन है वो आप ओपन करते हैं तो वो पहले तो रोम में था, लेकिन बाद में जब सिस्टम ओपन होता है तो धीरे वो रैम में ट्रांसफ़र हो जाता है। क्योंकि रैम एक हाई परफॉर्मेंसेबल एक सिस्टम है जो आपकी रैम की रोम की तरह ही, बट वो सॉफ्टवेयर ज़्यादा से ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस स्पीड देता है। इसीलिए रैम जब हम ओपन करते हैं, रैम की कोई मेमोरी ओपन करते हैं तो वो लगभग जल्दी से जल्दी ओपन हो जाता है, तो वैसे ही रैम वर्क करता है। तो दोस्तों रैम इस तो रैम के बारे में हम जो जान रहे हैं, तो रैम के बारे में और भी बहुत कुछ जानने के लिए है। तो जो है रैम क्या करता है कि आपका जो इंटरनल मेमोरी से जो एप्स आप ओपन कर रहे हैं तो वो एप्स रैम के थ्रू जल्दी से जल्दी ओपन हो जाता है, क्योंकि उसमें वो रोम से भी बहुत सारा स्पीड से डेटा को वो अपनी तरफ खींच लेता है, और वो डेटा जल्दी से जल्दी आपको ओपन करके दिखाने की कोशिश करता है। तो रैम ऐसे ही वर्क करती है। तो रैम का वर्क करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसिंग है। जैसे हम समझ लीजिए कि रैम रैम लगभग आप समझ लीजिए कि आप जो कोई भी रैम हो वो एक ही तरीके से काम करेगा, वो सही नहीं है, क्योंकि रैम का डिफरेंस बहुत है, रैम का स्पीड भी बहुत है। जैसे हम समझ लेते हैं छोटे सैंपल से कि आप जब मार्केट में जाते हैं तब आप देखते ही हैं कि कोई भी चीज़ के बारे में देख लेते हैं, हेडफोन्स की कुछ ब्रांडेड हेडफोन्स है जिसकी साउंड क्वालिटी बेस्ट है और उसके लिए हमें अलग से पैसे पेमेंट करना पड़ता है, कि कुछ चीज़ अच्छी नहीं है उसके लिए थोड़ा सा कम पेमेंट करना पड़ता है। रैम एग्जैक्टली वही चीज़ है दोस्तों। तो बात क्या है कि रैम जब अपनी स्पीड की परफॉर्मेंस से रैम का रेंज बढ़ता जाता है, तो क्या है कि रैम हम जब अपनी स्पीड को बेहतर चाहते हैं तो हमें और सब एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो क्या है कि रैम रैम का अब बात करते हैं, रैम का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि रैम एक रोम से भी ज़्यादा बहुत फास्ट है, फास्ट काम करता है, करीब लगभग 5 से 6 स्पीड
5 से 6 एक रोम इंटू 5 इंटू 6 कीजिए तो वो है रैम का स्पीड। तो ऐसी परफॉर्मेंस को वो कैच नहीं कर सकते। अब हम रैम के बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं बहुत सी वीडियो या फिर बहुत सारी अपने आसपास देख के ये समझ चुका हूँ कि यहाँ पे सब लोग ध्यान देते रैम के ऊपर और इंटरनल मेमोरी के ऊपर, कि रैम क्या है, इंटरनल मेमोरी क्या है, कितना है। रैम 4 GB 6 GB 10 GB हो तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन 2 GB हो तो वो फ़ोन घटिया है, वो फ़ोन बुरा है। लेकिन दोस्तों मैं आज इस बारे में ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि मैं खुद जो फ़ोन यूज़ करता हूँ वो 2 GB है और एक जो फ़ोन यूज़ करता हूँ वो 4 GB का। लेकिन बट जो 2 GB का फ़ोन मैं यूज़ करता हूँ उसका परफॉर्मेंस मैंने देखा है कि हाँ, मेरी बहुत सारी करीबी दोस्त है तो उनकी फ़ोन से मेरे फ़ोन बेहतर काम करता है। क्यों? तो ये बात तो आपको जानना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब मैं 4 2 GB का मेमोरी का इस्तेमाल करता हूँ रैम में, तो वो 2 GB उनका 4 GB से स्पीड क्यों है? क्योंकि दोस्तों मेरा जो प्रोसेसर है, मेरा जो रैम है, रैम वो उन लोगों के रैम के ब्रांड या फिर उन लोगों के ब्रांड के परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा फास्ट है। क्योंकि रैम में भी डिफरेंस होती है दोस्तों, DDR2, DDR3, DDR4। अब ज़माना आ गया है DDR4 का, तो DDR4 जिसके पास है वो 4 GB ले और 2 GB ले, कोई भी DDR3 से बेहतर ही होगा। तो आप समझ ही चुके होंगे, दिन जो जब तक वक्त बदलता है उसके साथ साथ हमें भी बहुत सारे सिस्टम चेंज होता है। तो ऐसे ही रैम का परफॉर्मेंस डिसाइड होता है कि वो कौन सा है, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। DDR4 आपका सबसे बेस्ट रैम है, मैंने जब देखा है, मैंने जब जो यूज़ किया है तो मैंने DDR4 तक यूज़ किया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं रैम कहाँ पे और हम चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों बात यह है कि रैम मैंने देखा है, रैम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रैम को हम एक्सटर्नल कर सकते हैं। हाँ दोस्तों कर सकते हैं, लेकिन वो कहाँ पे, लैपटॉप पे कर सकते हो, अपने PC पे कर सकते हो, लेकिन फ़ोन में बिल्कुल नहीं कर सकते। अब फ़ोन में जो रैम का एक्सपेंडेबल होता है, जैसे मेरा फ़ोन 2 GB का है, मैंने तो बता ही दिया, तो जो 2 GB का फ़ोन है वो हम 4 GB में कैसे डाल सकते हैं? तो बात यह है कि 4 GB पे आप डाल तो लोगे, लेकिन उसके बाद अगर आपका फ़ोन हैंग करने लगा, स्लो परफॉर्मेंस दे रहा है, वर्क ही नहीं कर रहा है, तो आपको कैसे लगेगा, सोच के देखिए। तो दोस्तों यही है बात कि आप जब रैम को बढ़ाते हैं तो वो कैसे वर्क करती है। आपका फ़ोन में जो मेमोरी है या फिर आपका कार्ड में जो मेमोरी है वो रूट करके हम वो दिखाते हैं कि वो टेम्प्रेरी एक रैम में काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था कि रैम अपनी रोम से 4 से 5 गुना बेहतर काम करती है, लेकिन अगर आप उस रोम को रैम में कन्वर्ट करोगे तो वो आपको फ़ोन में स्पीड नहीं देगा, वो फ़ोन एकदम बेकार हो जाएगा, तो आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे, तो कैसा लगेगा। तो इससे मेरा सजेशन जो है, तो वो आपका फ़ोन जितना रैम का है आप उतना ही रखिए, उससे एक्सपेंडेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे तो आप सेकेंड फ़ोन परचेस कर लीजिए, या फिर महीने में एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए फ़ोन को, रिबूट मार दीजिए, तो इससे आपका फ़ोन में भी प्रेशर नहीं होगा और आप फ़ोन अच्छी तरीके से लगभग काम कर सकते हैं, क्योंकि रिबूट मारने से हमारे सिस्टम को एक फ्रेश होता है, जैसे फ़ोन नया में है तो वो फ़ोन आपको मिलता है। तो दोस्तों ऐसे ही रैम वर्क करती है। अब बात करते हैं रैम की डिफरेंस के बारे में, कि रैम कितना प्रोसेसर में, DDR1 DDR2 कैसे कैसे टाइप में होता है। तो DDR1 DDR2 लगभग मेरी जानकारी के हिसाब से 810 GHz पे से चलना शुरू होता है, तो आप एक्सपेंडेबल जितना हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको आपकी फ़ोन में कितना GB रैम सूटेबल लेना चाहिए। तो दोस्तों ज़माना आ गया है कि 2 GB 2.5 GB से आप कुछ नहीं होता, तो दोस्तों मिनिमम आप लीजिए 3 GB से। आप 3 GB से स्टार्ट कीजिए और देखिए आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना GB तक जा सकते हैं। लेकिन फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा देखिए कि आप जो रैम ले रहे हैं सो वो वेस्ट कंपनी का होना चाहिए, वेस्ट कंपनी का नहीं, बेस्ट कंपनी का होना चाहिए। कैसे? कि आप जब रैम लेने जाए तो फ़ोन के डिटेल्स के बारे में अच्छी तरीके से मालूम कीजिए कि वो कौन सा रैम है, जो फ़ोन में जो रैम है वो कौन सा ब्रांड का है, DDR2, DDR3, DDR4। मैं रिकमेंड करता हूँ DDR3 ले लीजिए,
अगर आप पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो DDR4 लीजिए, और अगर नहीं इन्वेस्ट कर सकते तो DDR3 लीजिए, DDR2 मत लीजिए, क्योंकि DDR2 का ज़माना बहुत पहले से ही चल रहा है। तो दोस्तों मेरा सजेशन यही रहेगा, आप DDR3 ले लीजिए, और जितना हो सके आप 4 GB 6 GB भी ले सकते हैं। तो ऐसे ही रैम में परफॉर्मेंस आप समझ ही चुके होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि रैम क्या है और ये वर्क कैसे करती है। अगर आपको इस मैं वीडियो में कमेंट अगर आपको ऐसे ही भी समझ नहीं आया तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको पर्सनली सजेशन दूंगा कि आप क्या कर सकते हो डिटेल्स में समझने के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता सकता हूँ कि कहाँ में और क्या इन्वेस्ट करने से आपको बेहतर फ़ोन में परफॉर्मेंस मिलेगा और रैम का इन्वेस्ट। इस वीडियो में देखने के बाद भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको पूरी तरीके से सहायता करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब तो करना मांगता ही है ना, तो और लाइक कीजिए। और आपको इस वीडियो में कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। तो थैंक यू गाइस, गुड बाय, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।